तो गाने की शुरुआत में ही कहते हैं आया आया बच्चन पांडे, लेकिन भाई बच्चन पांडे और उनका पूरा झुंड ऐसे गाड़ी में आता है जिसका तो ड्राइवर ही नहीं होता। सही बात। और यहाँ पे इस आदमी को इतना मारते हैं कि इसका पसली भी टूट गई होगी, लेकिन इसका थोपड़ा देखने पर तो ऐसा लगता ही नहीं कि इसे कुछ हुआ होगा। लगता है यह थारा भाई जोगिंदर का रिश्तेदार है। सही पकड़े हैं। इस सीन में अक्षय सर इन पांचों गुंडों को मार देते हैं तो ये एक दूसरे के पास पास में ही मर जाते हैं, लेकिन इसी सीन को ऊपर से दिखाया जाता है तो ये गुंडे तो एक दूसरे से दूर दूर दिखाई देते हैं। मतलब कि ये गुंडे मरने के बाद कैसे इतने दूर दूर हो गए? जा पूछ क्या। और यहाँ पर अक्षय सर भागते हुए आते हैं तब उनके गले पर खून रहता है, लेकिन यहाँ पर तो खून दिखाई ही नहीं दे रहा है। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इस लास्ट सीन की क्या ही बात करें यार, तो रहन दो फिर। अरे यार बता ही देता हूँ। तो ये लास्ट सीन में अच्छे सर शेर की तरह दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये तो किसी भी एंगल से शेर की तरह दिखाई ही नहीं देते, ये तो इनके तरह दिखाई देते हैं। गजब बेइज्जती है। Ha 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 ha